I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. आज मैं आपको at preposition at का प्रयोग बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा एक आध तरीके से नहीं कहां कहां इसका कब कब प्रयोग होगा 11 तरीके से मैंने बताया है। at का पहला अर्थ होता है इसका उच्चारण भी लिख दिया मैंने at पहला अर्थ होता है इसका पर। I am at home, मैं घर पर हूं। I am not at home, मैं घर पर नहीं हूं। My father is not at home now, इस समय मेरे पिताजी घर पर नहीं है, मेरी माताजी घर पर नहीं है, मेरे ब्रदर यानी भाई घर पर नहीं है। किसी के लिए my uncle is not at home now, इस समय मेरे घर पर नहीं है चाचा जी। तो इस तरीके से अब ये तो हो गया अवस्था का पहला। दूसरा है दिशा का। She looked at me, उसने मेरी तरफ देखा। He looked at me, I looked at him, दिशा का बोध कराता है ये at। She looked at me, उसने मेरी तरफ देखा। My boss shouted at her, मेरा बॉस उस पर बहुत चिल्लाया लेट आने के लिए for being late। My boss shouted at her, उस पर बहुत चिल्लाया क्योंकि वो लेट आई थी, देर से आई थी। द टीचर शाउटेड एट द स्टूडेंट, लड़के पर शैतानी करने पर विद्यार्थी पर अध्यापक महोदय चिल्लाए। अब देखें समय। समय शी अराइव्ड एट 4 o'clock, जब कोई समय बता रहा होता है तो एट का प्रयोग किया जाता है। अराइव माने आप पहुंचना, डिपार्ट माने चले जाना। She arrived at 4 o'clock. वो 4 बजे आई, आ पहुंची। The boys came at the sound of the bell. घंटी बजने की आवाज पर, घंटी बजने पर बच्चे आए। स्थिति, The countries are at war. बहुत लंबी चौड़ी अंग्रेजी बनाने की जरूरत नहीं है। At war माने युद्ध शुरू हो चुका है, दोनों लड़ रहे हैं। The countries are at war, स्थिति यह है कि दोनों युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, युद्ध चल रहा है। काम, काम के समय भी my mother is at work now, इस समय मेरी माँ काम में लगी हुई है, काम कर रही है, चाहे ऑफिस का है चाहे कोई और है। I work at a school, मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, मैं स्कूल में काम करता हूँ, at लगेगा। गति को देखें, गति स्पीड। He was driving at 120 kilometers per hour, एक घंटे में वो गाड़ी चला रहा था 120 kilometers यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। पता, जब पता देना है तो एट लगेगा। I live at 43 सीता रोड, मैं 43 सीता रोड में रहता हूँ। अब देखें उम्र का, तो उम्र में भी एट लगेगा। He joined the army at 22, 22 साल की उम्र में उसने वो आर्मी में चला गया, आर्मी ज्वाइन कर ली। अब देखें के यहां भी अंग्रेजी एट आएगी। She stayed at her parents, वो अपने माता पिता के यहां रुकी। अब देखें रात के समय, रात के समय के लिए एट नाइट आएगा। द यानी रात के दौरान। द स्काई वाज क्लियर एट नाइट, रात को आकाश बिल्कुल साफ था। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।